हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपके अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक। हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में, हमारा गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेशन के साथ। सबसे पहले देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन कंडीशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का कॉमनली मीनिंग है कि पेनफुल मेंसेस आना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेफिनेशन, पढ़ते हैं। डेफिनेशन है हमारा, डिसमेनोरिया इज़ अ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन मोस्ट कॉमन ऑफ गायनेकोलॉजिकल डिसफंक्शन। और मोस्ट कॉमन क्या होता है, एक तरीके का गायनेकोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है। इटियोलॉजी क्या होती है, यहाँ पे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजिकल फैक्टर इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा हॉर्मोन है, आप अच्छे से जानते होंगे। सेकेंडरी क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू अनदर कोज लाइक एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि इन्फ्लामेशन जो है ना, पेल्विक इन्फेक्शन, कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़, ओवेरियन सिस्ट, साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी दो डिवाइड हो रहे हैं हमारे डिसमेनोरिया टाइप, एटियोलॉजी के टाइप। देन देखेंगे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होती है। पेन होगा, मे बी कॉज बाय इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड यूट्राइन हाइपोक्सिया। नोजिया फील हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, चिल्स, टायर्डनेस, नर्वसनेस, लोअर बैक एक, रिकरेंट क्रैम्पी, कॉलिकी एंड डल पेन भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या आएगा, पेल्विक अल्ट्रासाउंड, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्रोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, टेस्ट फॉर इन्फेक्शन। ये सारे के सारे हम यहाँ पे डायग्नोसिस जो भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट सच एज इब्यूप्रोफिन, नेप्रेक्सोन, वेल्डेकॉक्सिब फॉर एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन एक्शन। यानी कि अगर जो भी हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हो रहा है तो उसके एक्शन को रोकने के लिए या इनहिबिट करने के लिए या स्लो डाउन करने के लिए ये एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन दिए जाता है। हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स टू डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड मेंस्ट्रुएशन फ्लो। यानी कि जो हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं उनका जो काम होता है वो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को डिक्रीज़ करती हैं। तो यहाँ पे उनकी जो उनका जो यूज़ होता है किस लिए होता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी डिक्रीज़ करने के लिए, जिससे क्या होता है जो भी मेंस्ट्रुएशन फ्लो उससे अफेक्ट होता है और जो हमारा पेन है वो डिक्रीज़ हो जाता है। देन देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, लोकल हीट सच एज हीटिंग पैड टू इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड डिक्रीज स्पैम इज यूजफुल। इन सम केसेस डायलिटेशन एंड कर्टेज मे बी हेल्पफुल। लोकल हीट यानी कि एक तरीके से जैसे जब पेन होता है तो हीटिंग पैड या फिर हॉट वाटर या सब इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट हम पेशेंट को एडवाइज़ कर सकते हैं लोकल हीट के लिए या फिर हीटिंग पैड्स के लिए, जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा और जो स्पैम होगा यानी कि पेन होगा वो हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। सम केसेस में डायलेशन एंड कर्टेज मे बी हेल्पफुल, यानी कि कुछ ऐसी मेडिसिन जैसे जिससे डायलेशन होता है कर्टेज होता है करते हैं। देन उसके बाद आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्यूट पेन रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन फ्लो। जो भी मेंस्ट्रुएशन फ्लो होगा उससे रिलेटेड जो भी एक्यूट पेन होगा उसे डायग्नोस करना है, नर्सिंग डायग्नोसिस। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपके लिए हमारा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।